हेलो गाइस, मैं हूँ दीपशिखा अग्रवाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैं गुड़गांव गई थी और मैंने सोचा कि चलिए बंजारा मार्केट चलते हैं। तो हमने कहा चलिए आपको भी बंजारा मार्केट का थोड़ा सा सीन दिखाते हैं कि किस तरीके का बंजारा मार्केट है। अब हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी में बस निकल ही रहे हैं बंजारा मार्केट के लिए। और अब हम लोग रास्ते में हैं, बहुत मेरी भाभी है, मेरा भतीजा, दोनों हम लोग सभी जा रहे थे, भैया मेरा, बेटा, सभी। और देखिए, गुड़गांव की बहुत अच्छी मार्केट है बंजारा मार्केट। वहाँ पे बहुत सारा सामान बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिल जाता है। देखिए, हम लोग पहुँच गए बंजारा मार्केट और कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए, बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे होम डेकोर का बहुत अच्छा सामान मिलता है, जिसको आप अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। लकड़ी का सामान और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनमें ले सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी, देखिए फर्नीचर, देखिए बहुत ही प्यारा। आप इन फर्नीचरों से अपने घर का बहुत सारा डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए, टेबल, चेयर और प्लांट का जो स्टैंड है वो दे है बहुत ही खूबसूरत। और इसमें सबसे बड़ी बात है रीज़नेबल रेट हो जाते हैं। ये देखिए लैम्प, कितने शेड, कितने प्यारे हैं। ये तुलसा जी के गमले, और ये देखिए सब, इस समय फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो बिल्कुल नया नया सामान यहाँ पे आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया लग रहा था। बहुत देखिए कितने अच्छे अच्छे ये सब स्टैंड है, पॉट स्टैंड है। और ये मिरर, मिरर बहुत ही खूबसूरत थे, सारे वुडन वाले। ये फर्नीचर देखिए, घड़ियाँ भी बहुत ही सुंदर सुंदर थी, बहुत होम डेकोर का। ये देखिए कितना प्यारा सामान है, सारे कैंडल स्टैंड है, दिया स्टैंड है, और साथ ही क्रॉकरी तो बहुत ही सुंदर थी, पॉट्स वगैरह। देखिए कितना प्यारा, कप्स बहुत सुंदर थे, ये आपके डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए हांडियाँ बहुत खूबसूरत थी। देखिए पॉट्स, देखिए कितने कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही हर कलर के, हर उसके। और आप इन्हें आराम से ले जाके, अच्छे से हैंडी भी है कि आप घर पे आराम से ले जाइए बढ़िया तरीके से। देखिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिली। और बस यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना बार्गेनिंग के आप बिल्कुल भी यहाँ से सामान नहीं खरीद सकते। और उससे आपको ये लगेगा कि बहुत ही कॉस्टली सामान है, मगर ये बहुत अच्छे से रीज़नेबल रेट पे मिल जाते हैं। मैंने जो जो सामान ख़रीदा है उसका भी सारा हॉल आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान बहुत ही रीज़नेबल रेट पे ख़रीदा है। मैं तो अपनी शॉपिंग से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतना सुंदर सामान मुझे मिला। मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान लूँ, मगर इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी थी, तो इसलिए ज़्यादा देर रुक नहीं पा रहे थे। खुले में थी ये मार्केट तो, और गर्मी जब ऊपर से बहुत तेज़ धूप की हो रहा था, तो बच्चे भी बहुत वो हो रहे थे, बच्चे भी हमारे संग थे, तो वो भी बहुत धूप में बहुत परेशान हो रहे थे। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर स्टूल हैं, साथ ही सेठी जैसा भी स्टूल है, आप घर पे ले जाइए, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बहुत कलरफुल स्टूल्स हैं। और ये देखिए पॉट्स, ये सारे कलरफुल पॉट्स हैं, बहुत ही सुंदर चीज़ें हमने वहाँ यहाँ पर देखी। और मैं पहले भी आ चुकी हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारा सामान लिया था बंजारा मार्केट से, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अब की मैंने सोचा कि मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं, और मैं जाऊं तो मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं ब्लॉग ये वाला। तो मैंने देखी ये प्लेट्स ख़रीदी, ये बहुत ही प्यारी प्लेट्स थी, और इन्होंने 2500 में मुझे 6 प्लेट और 6 बोल का सेट बताया था, मगर मैंने बार्गेन करके ये सिर्फ 800 में लिया। और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये प्लेट्स, प्यारी सी लग रही है बहुत ही ज़्यादा, और बहुत प्यारे प्यारे कलर की थी, मुझे ये पसंद आई तो मैंने ये वाले लिए। और देखिए हम लोगों ने, और लेकिन ये एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप बंजारा मार्केट से कोई भी सामान लेते हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ कहीं खरोच होगी या थोड़ा सा भी टूटा हुआ तो बेकार है। ये देखिए ये वाली ट्रे भी मैंने ली, स्नैक के लिए, स्नैक्स आप इसमें सर्व कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत ट्रे थी, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की ट्रे भी बहुत थी, कि उसमें जो चटनी का बोल है वो चिपका हुआ था, बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स, बहुत कलरफुल पॉट्स भी थे। देखिए बहुत, देखिए कितनी सुंदर प्लेट्स हैं, हर कलर की, हर उसमें अलग अलग प्लेट्स थी। ये देखिए, ये हम मैंने ये वाले कप्स लिए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे ये कप्स। देखिए ये भी आजकल ट्रेंड में है, बिल्कुल थ्रेड का वर्क है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए ये रक्स की और
कारपेट की वगैरह की शॉप्स थी, और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखी, कितनी प्यारी लग रही हैं। इसमें थोड़ा मुझे ये लेना बहुत अच्छा लगता, मगर इसमें थोड़ी सफाई कम थी, अच्छे से नहीं था, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ज़रूर लूँगी। और देखिए कितनी प्यारी प्यारी प्लेट्स हैं, ये देखिए, मन खुश हो गया मेरा वहाँ जाके। बस ये था कि धूप बहुत तेज़ थी। आप जाड़ों में जाइए, जाड़ों में भी बहुत प्यारा लगेगा आपको वहाँ पे, क्योंकि जाड़ों में तो धूप का कोई वो नहीं होता, मगर गर्मियों में तो धूप बहुत लगती है। मगर इस समय फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो कलेक्शन इतना ज़्यादा और इतना भरपूर है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी बहुत ही, देखिए कितनी प्यारी प्लेट है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन आपको इस समय मिल जाएगा। आप इस समय आराम से जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी मार्केट है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी प्लेट्स है, ये देखिए बहुत सुंदर डेकोर का सामान तो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए सीनरी भी हैं, और बहुत बहुत मतलब आप देखकर खुश हो जाएंगे, इतना सुंदर सुंदर सामान है। फाउंटेन की भी एक शॉप थी बहुत सुंदर सी, वहाँ पे भी आपको, ये देखिए ये रक्स की, ये वाले रक्स एक मैंने ख़रीदा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये बिल्कुल वॉशेबल है, आप बिल्कुल आराम से इसको घर में वॉश कर सकते हैं, बहुत सुंदर। बहुत धूप है इस समय, इन लोग हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, 11 o'clock पे हम लोग चले गए थे, तो सबकी सब लोग यही कह रहे थे कि हमारे बोने का टाइम है, प्लीज़ ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए, तो हमें रीज़नेबल रेट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये देखिए ये भी कितने प्यारे प्यारे हैं, ये देखिए। और ये स्टूल्स आपका बहुत ही मार्बल का स्टूल है, इस तरीके के स्टूल बहुत अच्छे, कॉस्टली भी थे, लेकिन अगर आप बार्गेन नहीं करेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है ये चीज़ें। देखिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, सुबह सुबह का टाइम था तो ये लोग बस लगा ही रहते अपने सारी शॉप। और ये देखिए यहाँ से मैंने बहुत सुंदर उड़ली ली, और ये जो तुलसा जी का गमला है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और ये तो बहुत सुंदर फर्नीचर था। देखिए बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर, बहुत कढ़ाई टाइप के थे, और गमला स्टैंड्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे देखिए, मिरर वर्क बहुत अच्छा था। कुछ सामान 7,000 का था, कुछ 8,000 का, मतलब आपको बार्गेन ज़रूर करनी पड़ेगी। ये देखिए ये मीरा जी हैं जो मैंने खरीदी है, मुझे बेहद पसंद आई। और ये बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे स्टैचूज थी, गाइस बहुत धूप है, छाता और चश्मे से बात बन नहीं पा रही थी, तो हमने कहा चलो अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे, तो अब हम वापस लौट गए। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गाइस मैंने बंजारा मार्केट तो आपने को पूरा घुमा दिया, अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया। बहुत सुंदर डेकोरेशन का सामान है, और क्योंकि दिवाली आने वाली है, सारे फेस्टिव सीजन, नवदुर्गा आ रहे हैं, सभी कुछ आ रहे हैं, तो उसमें ये सामान बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब जाइए तो इसी सीजन में जाइए, तो आपको बहुत नया नया कलेक्शन मिलेगा, बहुत ही यूनिक कलेक्शन, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ, लाई मैं थोड़ा ही सामान हूँ, ज़्यादा नहीं लाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मगर जो भी सामान लाई है वो बहुत अच्छा, और घर में भी सबको बहुत पसंद आया। तो चलिए आपको मैं सामान का हॉल कराती हूँ, चलिए दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ सामान। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये रख, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा है। देखिए सबसे बढ़िया बात है हैंडमेड है, वहाँ पे कारपेट्स और रग्स की बहुत सुंदर सी शॉप थी, और बहुत प्यारा प्यारा सामान था, तो मैं मुझे ये बहुत बेहद पसंद आया। कलरफुल चोटियाँ बनी हैं जूट के संग, और ये बहुत ही मुझे बहुत दिनों से पसंद था, लेकिन मैंने लिया नहीं था, लेकिन इन्होंने रीजनेबल रेट पे दिया, तो मैं इसे भी लेकर के आई। हम लोग दो लेकर के आए, एक मेरी भाभी ने छोटा साइज लिया, और हम मैंने ये बड़ा साइज लिया। और देखिए कितना प्यारा है दोनों तरफ से, ये बहुत ही खूबसूरत सा है। और देखिए आप किसी भी तरह से इसे बिछा सकते हैं, और अच्छे से धो भी सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि खराब होने वाली चीज़ है, मगर बेहद खूबसूरत है। तो और चीज़ें आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए ये मैं बहुत सुंदर सी उर्ली लेकर के आई हूँ, इसमें हम जो दिवाली आएगा या देवी जी के व्रत होते हैं उसमें मंदिर में सजावट करते हैं, इसमें पानी भर के और गुलाब की पंखुड़ियाँ, गेंदे की पंखुड़ियाँ डालिए, बहुत ही खूबसूरत, और कैंडल्स डालिए, बहुत ही सुंदर लगता है। ये मुझे बहुत पसंद आया, और बहुत ही रीजनेबल रेट में मुझे ये मिल गया, 300 में ये आराम से मिल गया था, और ये बोला था इन्होंने 800 में, तो मैं इसे 300 में लेकर के आई, बहुत ही सुंदर और सबको बहुत पसंद आया। देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं और बहुत ही सुंदर है, सबसे बड़ी बात है फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत फूल से सजा हुआ है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। इसी तरीके की दो
इसी तरीके से देखिए ये थी, मैं 3 उल्ली का सेट लेकर के आई थी, ये उन्होंने मुझे बताया था 1500 का 3 का सेट। एक तो सेट मैं गुड़गांव में अपनी भाभी के पास छोड़ा ही, लेकिन ये 2 मैं लेकर के आई हूँ। ये दिवाली के लिए बहुत ही प्यारा सा उल्ली है देखिए, और मैं हमेशा देखती थी कि मुझे ये लेकर के आना है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और इस तरीके से ये बड़ी है और एक इससे छोटी थी। उसका पूरा सेट उन्होंने 1500 का बताया था और 800 में मुझे ये तीनों दिए। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे ये बहुत दिनों से चाहिए था। लास्ट ईयर दिवाली में मैंने सोचा था कि मैं खरीदूंगी, मगर मीशो वगैरह से मैंने खरीदा नहीं, लेकिन अब कि मैं गई तो मैं लेकर के आई, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखिए दिए भी इसमें एक्यूरेट है, ये 21 दिए का है, ये 14 दिए का है, वो 9 दिए का था, बहुत ही खूबसूरत। देखिए आप भी देखिए, इसमें पानी भरी है और इसमें कैंडल्स या दिए लगा दीजिए और गुलाब की पत्ती, बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिली है। मैं तो डेकोरेशन करती रहती हूँ तो मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगा। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ। इसी तरीके से देखिए ये मैं 6 प्लेट्स का सेट लेकर आई, ये प्लेट्स मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन है, साथ ही 6 बोल्स भी इसमें मिले और बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी तो 2500 रुपये का पूरा सेट बताए थे, 2500 का कि 6 प्लेट और 6 बोल, मगर मैंने सिर्फ 800 में दोनों 6 बोल और 6 प्लेट्स का सेट लिया, और मुझे बहुत बेहद पसंद आया ये और बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही एक और ट्रे लेकर के आई हूँ ये स्नैक्स सर्व करने के लिए, बहुत ही प्यारी है। देखिए कितनी खूबसूरत सी ट्रे है, और मुझे बहुत वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत ट्रे थी। अब मुझे लग रहा थोड़ा सा सामान और ले आती, मगर उस समय इतनी धूप कड़ी धूप थी कि उसमें हम लोग 11 o'clock पे पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा धूप थी, तो बस ये लग रहा था। बच्चे भी साथ में थे, बच्चे भी कह रहे थे मम्मा चलो, बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहुत ही प्यारा प्यारा सामान था। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है ट्रे, और बहुत अच्छे से आप इसमें एक बोल रख दीजिए चटनी का और पकौड़ी वगैरह सर्व कीजिए, बहुत ही कटलेट वगैरह, बहुत ही प्यारा ये पीस मुझे लगा। और सबसे प्यारी चीज़ तो ये देखिए कितना प्यारा मुझे तुलसा जी का गमला लगा था, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही रीजनेबल रेट में 400 में मुझे ये मिला। और इसमें चारों तरफ से बहुत ही सुंदर, देखिए कितने खूबसूरत, ऊपर इधर शुभ लाभ लिखा है, इधर गणेश जी बने हुए हैं, साथ ही इधर कलश बना हुआ है देखिए, और ये 2 चरण बने हुए हैं। ये इतना खूबसूरत मुझे लगा कि मैंने कहा मुझे तो ये लेना ही लेना है। साथ ही देखिए दिया भी है इसमें, इसमें आप रोज़ शाम को तुलसा जी का मैं पेड़ लगाऊंगी और रोज़ शाम को आप दिया जलाइए। बहुत ही प्यारा ये मुझे पीस लगा, बहुत ही खूबसूरत, मेरे घर में भी सबको बेहद पसंद आया कि बहुत अच्छा सामान, थोड़े टाइम में हमें जो जो सामान अच्छा मिला वो मैं लेकर के आई। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे खूबसूरत तो ये भी बहुत खूबसूरत है, देखिए कितने सुंदर प्लांट के लिए है पॉट, और बहुत ही मुझे टॉर्टोइज तो बहुत ही पसंद आई ये देखिए, और कलरफुल थे, सबसे खूबसूरत ये चीज़ मुझे ये भी बहुत सुंदर लगी। और मात्र 150 में, ये 400 का बोला था, 150 में मुझे 300 में दोनों इन्होंने दे दिए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है टॉर्टोइज आपके गार्डन एरिया में, या आप इसमें इंडोर प्लांट लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, बहुत ही सुंदर। एक और खूबसूरत सामान देखिए कितने प्यारे ये कप है, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगे प्लांट के लिए, बहुत ही खूबसूरत देखिए कितने सुंदर, तीनों अलग अलग कलर के लेकर, यही 3 कलर थे और 4th कलर नहीं था, अगर ग्रीन भी होता तो बहुत ही खूबसूरत लगता, मगर ये मुझे मतलब मेरा दिल ही इन पे आ गया कि मुझे बस लेना ही है। और देखिए कितने सुंदर डॉट्स हैं, प्यारे से फिनिशिंग भी अच्छी थी, कहीं कहीं पर थोड़ा सा वो था, लेकिन ये थे ही नहीं तो मैंने कहा यही ले लेती हूँ, बहुत सुंदर देखिए तीनों, और कलर भी तीनों के बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारा ये सेट है। और ये भी मुझे 150 ईच मिला है, बहुत ही रीजनेबल मुझे लगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं जब गुड़गांव जाऊँ तो रास्ते में बहुत जगह ये सब सामान मिलता है मगर बहुत ही कॉस्टली मिलता है, मगर बंजारा मार्केट में ये बहुत ही रीजनेबल रेट पे मुझे ये सब सामान मिला तो मुझे बहुत ही पसंद आया। और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत सी ये मीराबाई, जो आपकी किसी भी स्लैब पर बहुत ही प्यारी लगेगी, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी, मुझे देखते ही मेरा तो दिल आ गया इन पे, बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत ही, ये उसने मुझे 400 में दिया, 800 में बोला था मगर 400 में मुझे उन्होंने ये दे दिया। और देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी मतलब बारीकी से इन्हें बनाया गया, इनके हाथ पैर सब इतने खूबसूरत हैं, देखिए हाथ कितने खूबसूरत हैं, और इनका जो ये बजा रही हैं वीणा बहुत ही प्यारे लग रहा है, और देखिए कितनी खूबसूरत है इनकी चारों तरफ से, बहुत ही सुंदर मुझे लगा तो मैं तुरंत ही लेकर के आई, मैंने कहा ना मुझे तो लेना ही है, और देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये।
तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये हॉल और बंजारा मार्केट का ब्लॉग? अगर आपको ये पसंद आया हो, इनमें से कौन सी चीज़ आपको बेहद पसंद आई हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और कहाँ का हॉल चाहिए या आपको क्या चीज़ बहुत पसंद आई मेरे वीडियो में। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।